गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर आर्ट टीचर फ्रॉम MLZS रामपुरा फूल। टूडे आई विल टीच यू हाउ टू फिल कलर इन दिस ब्यूटिफुल मशरूम एंड बटरफ्लाई। ठीक है बच्चे, ये आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे है, बटरफ्लाई और मशरूम। इसमें आप अच्छे से कलर फिल करोगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम बटरफ्लाई में कलर शुरू कर रहे हैं। किसी भी राउंड शेप में कलर फिल करना हो तो हम लोग उसमें राउंड शेप में ही कलर फिल करेंगे इस तरह से। इसकी बॉडी में भी हम रेड कलर ही फिल करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। हम क्रेयॉन से कलर फिल करेंगे और अच्छे से हमने कलर फिल करना है। इसके बाद हम यहाँ पे येलो कलर फिल करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इसमें ये छोटे वाले सर्कल में पर्पल कलर फिल करेंगे, ये वाले छोटे सर्कल्स में भी और ये वाले सर्कल में भी, और ये जो ऊपर का राउंड वाला है इसमें हम स्काई ब्लू कलर फिल करेंगे और इस साइड पे भी सेम। ठीक है बच्चे, और कहीं कहीं हम इसमें स्काई ब्लू कलर के डॉट्स बना देंगे और इसकी ये जो आउटलाइन है ये भी हम स्काई ब्लू कलर से करेंगे। दूसरी साइड पे भी सेम हम आउटलाइन स्काई ब्लू कलर से करेंगे। और यहाँ पे कहीं कहीं हम सर्कल्स बना देंगे स्काई ब्लू कलर से, और ये जो लाइंस हैं इसमें हम येलो कलर फिल करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें येलो कलर फिल होगा और ये नीचे स्काई ब्लू। और यहाँ पर भी हम स्काई ब्लू से हल्की हल्की लाइनिंग बना देंगे ताकि ये हमारी बटरफ्लाई अच्छी लगे। ठीक है बच्चे, ये हमारी बटरफ्लाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सन में कलर करेंगे। सन के यहाँ वाले सर्कल में हम येलो कलर करेंगे। और जो इसकी रेज शो की हैं उसमें हम लोग रेड कलर करेंगे। कलर आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से आप कलर फिल करोगे। कोई भी कॉर्नर आपका खाली नहीं रहना चाहिए। जिस भी चीज़ में आपने पूरा कलर फिल करना है। इस तरह से ये हमारा सन में कलर फिल हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे पर्पल कलर करेंगे हल्का हल्का, और यहाँ पर भी। इसके बाद इसमें स्काई ब्लू कलर डार्क करेंगे और यहाँ पर भी। इसके बाद हम पर्पल से लाइंस बनाएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने ये लाइंस बनानी है 2-3। यहाँ पे हम लोग ये जो पेटल की तरह पेटल की शेप में है इसमें हम लोग पिंक कलर करेंगे। और ये सर्कल्स में फिर से स्काई ब्लू। इसमें भी हमने सर्कल में पूरे में फिल किया है तो इसमें हम डार्क कलर ही फिल करेंगे अच्छे से, लाइट लाइट कलर फिल नहीं करेंगे। लाइट कलर फिल करेंगे तो मशरूम अच्छी नहीं लगेगी।
इस तरह से आप लोग मशरूम में कलर फिल करोगे और फिर से हम पर्पल कलर से इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे। राउंड शेप में, ठीक है बच्चे। यहाँ पे सर्कल्स हैं, यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे। और इसमें भी हम लोग येलो कलर फिल करेंगे। और ये जो खाली स्पेस बची है इसमें हम लोग ऑरेंज कलर फिल करेंगे। ऑरेंज कलर येलो के बीच में मिक्स नहीं होना चाहिए, तो आप लोग आराम से कलर फिल करोगे। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे, इसमें सिर्फ पिंक कलर आएगा। ये सर्कल्स के ऊपर वाली जगह पे पिंक कलर ही आएगा, सिर्फ सारी जगह पे। सेम सर्कल्स यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे पिंक कलर आएगा फिर से। इसको भी हम डार्क ही फिल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पिंक से आउटलाइन कर लेंगे। ये जो सर्कल्स हैं छोटे वाले, इनमें हम लोग लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे। इसको भी हमने डार्क डार्क फिल करना है ताकि हमारे सर्कल्स अलग से नज़र आएं। और इन वाले सर्कल्स में हमने सिर्फ राउंड शेप में ऐसे आउटलाइन ही करनी है, सिर्फ आउटलाइन। इस तरह से आउटलाइन ही करेंगे हम लोग सिर्फ। और ये ग्रास में हम लोग सिर्फ ग्रीन कलर ही फिल करेंगे। और सर्कल शेप में हम लोग सर्कल करके ही कलर फिल करेंगे राउंड शेप में। कलर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है अच्छे से, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए और कलर डार्क ही फिल करोगे आप लोग। ये मशरूम और बटरफ्लाई आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे है। जिस तरह से मैंने इसमें कलर किए हैं, आप लोग उसी तरह से अपनी बुक में पेज नंबर 3 पे अच्छे अच्छे कलर फिल करोगे मशरूम और बटरफ्लाई में, ठीक है बच्चे। थैंक यू।